हाय दोस्तों, मैं हूं प्रफुल। आज हम बात करेंगे, अभी 14 सितंबर को एक अपना एप्पल का इवेंट आने वाला है। तो दोस्तों, 14 सितंबर को एप्पल का लाइव इवेंट अभी होने वाला है, तो उसमें कुछ आईफोन 13 अभी लॉन्च होने वाला है, कुछ प्रोडक्ट भी लॉन्च होने वाला है। तो आज हम देखेंगे आईफोन 13 के कुछ फाइनल लीक्स एंड रूमर्स। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हर साल की तरह एप्पल इस साल भी 2021 में भी इवेंट रखने वाला है, लेकिन ये भी ऑनलाइन रहेगा पिछले साल की तरह। तो उसमें भी नए प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे कि हमने लास्ट साल भी आईफोन 12 का जो 4 वेरिएंट देखे थे, इस साल भी बोला जा रहा है कि आईफोन 13 के भी 4 वेरिएंट, 4 मॉडल निकलेंगे। जैसे कि लीक्स में हमें इस तरह से 3 कलर देखने को मिल जाते हैं, साइड बटन, म्यूट बटन और जो वॉल्यूम रॉकर से वॉल्यूम बटन से उसका भी साइज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा चेंजेस है उसका कैमरा, जो आईफोन का कैमरा है, आईफोन 13 का कैमरा आने वाला है, बहुत ही कमाल कर देने वाला है, तो ऐसा रूमर है। तो हम देखेंगे वो क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं। लास्ट साल के आईफोन की तरह भी, आईफोन 12 की तरह ही आईफोन 13 जो आने वाला है वो बहुत ही अच्छा और कमाल करने वाला है कैमरा सेक्शन में। जो कि लास्ट मॉडल है आईफोन 12, अभी इस आईफोन 13 में उसका जो कैमरा बम्प है थोड़ा मोटा होने वाला है, थोड़ा ज्यादा साइज में होगा ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा लीक है। वो भी आईफोन 13 और आईफोन 13 प्रो में आपको देखने को मिलेगा। आईफोन 13 का जो नॉच है वो थोड़ा साइज में कम होगा ऐसा बोला जा रहा है। आईफोन 13 में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी ऐड कर दिया है, और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह होगी सभी आईफोन यूजर को कि जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज तक वो लेके जाने वाले हैं। ये बहुत ही बढ़िया काम आईफोन अभी कर रहा है आईफोन 13 में। हालांकि ये बहुत ही लेट यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि एंड्रॉइड में ऑलरेडी 10 सैम्पलिंग रेट 144 हर्ट्ज तक गया हुआ है, जैसे कि आईपैड प्रो में भी आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाएगा। और इसे नई LTPO बैकप्लेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सक्षम किया जाएगा। जैसे कि अभी हमें जो नया एप्पल वॉच है उसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है, कुछ उसी तरह से ही उन्होंने वो फीचर आईफोन 13 में ऐड किया है ऐसा रूमर है। साथ ही साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको डेट, टाइम, कैलेंडर, मेल्स एटसेट्रा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे प्रोसेसर की, तो एप्पल का प्रोसेसर आपको मालूम है, उनका जो एप्पल का प्रोसेसर और जो उनकी OS है, उनका जो ऑप्टिमाइजेशन है बहुत ही स्मूथ है, इसके वजह से वो अच्छा चलता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे प्रोसेसर की, तो आपको लेटेस्ट A15 चिप्स साथ में क्वालकॉम X60 मॉडल फॉर फास्टर 5G कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। और एक बात, आईफोन 13 प्रो एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स में आपको कैमरा में कुछ ज्यादा कमाल देखने को मिल जाएगा, जिसमें लार्जर पिक्सल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा, तो उसकी मदद से लो लाइट में कैमरा का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। अल्ट्रावाइड एंगल जो है उसका लेंस रहेगा वो ऑटो फोकस में काम आएगा, और F1.8 का एपर्चर लेंस लो लाइट फोन इंप्रूवमेंट में मदद करेगा। प्रो मॉडल में स्टेबिलाइजेशन का आपको फीचर मिलेगा, लेकिन इस टाइम सभी आईफोन 13 में ये स्टेबिलाइजेशन का फीचर ऐड करने वाले हैं ऐसा बोला गया है। अभी हमने देखा आईफोन 13 के कुछ फीचर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, कैमरा में जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो जाएगा, और साथ ही साथ उनका जो प्रोसेसर है वो भी अच्छा होने वाला है, 5G कनेक्टिविटी फास्टर होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, साथ साथ ऑल को सिलेक्ट करना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, फिर मिलेंगे।